छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं में राजनीतिक विज्ञान विषय में अध्याय 6 न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे हम। न्यायपालिका सरकार का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो कि दोनों अंगों से ये स्वतंत्र है और इस पर किसी राजनीतिक दबाव का भी कोई राजनीतिक दबाव से भी ये स्वतंत्र है और ये न्याय दिलाने में दोनों अंगों से ये महत्वपूर्ण है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और न्याय दिलाने के लिए ये न्यायपालिका के हम बारे में पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता क्यों दी गई है, हमें उस स्वतंत्रता की क्यों आवश्यकता है और हमारे मौलिक अधिकार व अन्य अधिकारों में किस प्रकार भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है और संविधान की व्याख्या, क्योंकि ये संविधान का संरक्षक है, तो किस प्रकार ये संविधान को या कानून को सुरक्षित रखता है और हमारे भारत की संसद और न्यायपालिका का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये भाग एक है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि ये स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो जो सरकार के जो दो अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, तो न्याय ये किसी भी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो इनके द्वारा और वो अपना ठीक ढंग से कार्य कर सके, उचित निर्णय ले सके। और सरकार के जो अन्य अंग हैं, कार्यपालिका और विधायक, वो न्यायपालिकाओं के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें। न्याय जो न्यायपालिका है और जो उसके न्यायाधीश हैं, वो किसी भी बिना दबाव के अपना, बिना भेदभाव या बिना दबाव के अपना कार्य अच्छे से कर सकें। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हमें उसके जो उत्तरदायित्व हैं उसके पूर्ति होनी चाहिए। जनता का उत्तरदायित्व निभाने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र किया गया, सही उसको उचित न्याय मिल सके। न्यायपालिका देश की एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना है और न्यायपालिका ही हमारे देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति क्या है, जवाबदेही है। इसलिए हमें न्यायपालिका को स्वतंत्रता की क्या है, आवश्यकता है। हमारे भारत में भी न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सलाह से अपने ये न्यायाधीशों की, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, और जो उनका वेतन है, वो न्यायाधीशों का जो वेतन है, सुविधाएं दी जाती हैं, कोई बहुत ही वित्तीय संकट है तब उसमें उस स्थिति को छोड़कर कभी भी उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है और संसदीय नियंत्रण से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा हुआ है। तो इस प्रकार कुछ प्रावधान है और भी हैं, आप देखेंगे पद की सुरक्षा, कोई भारत के जो न्यायाधीश हैं वो अपना कार्यकाल दीर्घ समय तक कर सकते हैं, मतलब अपनी सेवानिवृत्ति आयु को छोड़कर, और उन्हें पदच्युत, मतलब उनको अपने पद से हटाना आसान नहीं है, तो या उसके लिए काफी कठिन प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, संसद में पारित करना पड़ता है। और नियमन हेतु नियम की शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की कार्य प्रणाली के नियमन का अधिकार सर्वोच्च, मतलब वो अपना खुद मैनेजमेंट करता है अपनी सारी व्यवस्थाएं, नियुक्तियां या जो भी उनका जो कार्य दिया गया है वो सारा सर्वोच्च न्यायालय अपनी कार्य प्रणाली के द्वारा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के फिर है उन्मुक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। संसद सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं उसके कर्तव्यों की समीक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि एक स्वतंत्र है। उसके बाद वकालत पर प्रतिबंध,
यदि सेवानिवृत्त या अवकाश प्राप्ति के बाद सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालयों में, निचली अदालतों में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो ये इनके क्या थे, पूरे इनको जो स्वतंत्रता दी गई है न्यायपालिका को, ये उनके अधिकार क्षेत्र थे। अगला है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भारत का, और वो उच्च न्यायालय को, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उसकी सलाह से और दूसरे अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनकी सलाह से करता है। कभी शुरू में ऐसा माना गया कि जो कार्यपालिका है उसका भी थोड़ा सा नियुक्ति में वो रहता है, लेकिन बाद में ये माना गया कि एक सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया गया कि नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और वो अपने अधीन चार मुख्य न्यायाधीश, उनकी सलाह से ही न्यायाधीशों की क्या करेगा, नियुक्तियां करेगा। तो राष्ट्रपति करता है। अब न्यायाधीशों को अपने पद से हटाना बहुत कठिन कार्य है। संसद में विशेष बहुमत पारित होना चाहिए। अभी तक अपने भारत देश में इस प्रकार न्यायाधीशों को पद से हटाया नहीं गया है, और कभी ऐसा हुआ भी तो मतलब पूरी कार्यवाही नहीं हो सकी। तो कोई भी आरोप है वो संसद के एक विशेष बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए, और बहुत अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब उनकी नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की, तो कार्यपालिका का थोड़ा उसमें महत्व रोल रहता है, लेकिन जब न्यायाधीशों को हम हटाते हैं तो उस समय विधायिका, आप देखिए दोनों अलग अलग हो गए। तो न्यायाधीशों को अपने पद से हटाना बहुत कठिन कार्य है, और इस प्रकार ये दो तिहाई सदस्यों, कभी ऐसा हुआ भी तो दो तिहाई सदस्य के प्रस्ताव से ये हो गया, लेकिन बाद में बहुमत नहीं हो सका। कभी ऐसा हुआ भी है 1991 में करीब, लेकिन ये अभी तक ऐसा हटाया नहीं गया। न्यायपालिका की संरचना आप एक चित्र के माध्यम से देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय है केंद्र पूरा, और एक हर राज्यों में उच्च न्यायालय, हर राज्यों में नहीं, राज्यों के बांट दिए गए हैं, वहाँ उच्च न्यायालय होता है, क्योंकि संघीय देशों के, भारत में अलग से प्रांतीय स्तर पर कोई न्यायालय नहीं है, लेकिन एक सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के नीचे जिले, जिले के अधीनस्थ न्यायालय हैं, और जिले के नीचे भी हम देखते हैं कि उनके और भी न्याय, जिलों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं। आप इस रेखा चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसकी क्या-क्या शक्तियां हैं, भारत का ये सर्वोच्च न्यायालय, और ये उसकी क्या है अधिकार, वो कौन-कौन से कार्य कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है, और सभी अधीनस्थ न्यायालयों को उनके फैसले को मानना पड़ता है। और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण या तबादला कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, और एक उच्च न्यायालय में चल रहे, हाई कोर्ट में चल रहे कोई भी केस को वो दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र हैं। फिर है उच्च न्यायालय, उसके नीचे तो जितने भी इससे निचली अदालतों पर यदि कोई फैसले की सुनवाई नहीं होती है तो ये कोई भी इस पर अपील कर सकता है। मतलब पुनः जो जिला अदालत में कोई केस लगा हुआ है और सुनवाई नहीं हुई है या उसको गलत लग रहा है, तो वो उच्च न्यायालय में अपना केस, अपना जो भी प्रकरण है उसकी अपील कर सकता है। और मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है।
हम पहले पढ़ा चुके हैं मौलिक अधिकार आपको, मतलब कोई भी मनुष्य के यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो रिट के माध्यम से, 5 पॉइंट बताए थे आपको, रिट के माध्यम से जारी कर सकता है और इस प्रकार केस निर्णय के लिए भेजा जा सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी मुकदमे उच्च न्यायालय में चले जाते हैं, वो प्रकरण, और उसका उचित निराकार होता है और वो अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण, मतलब अपने जो अधीनस्थ जिला है उन पर भी अपना नियंत्रण रखता है। अब हम चलते हैं उच्च न्यायालय से नीचे है जिला अदालत। तो जिले के अंदर कोई भी मुकदमे होते हैं पहले वो जिले में ही जाएंगे अधिकतर। कुछ ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाते हैं तो वहां पर सुनवाई होती है, और इससे भी नीचे जो अधीनस्थ हैं यदि वहां पर समस्या का हल नहीं हो रहा है, किसी केस का निर्णय नहीं हो रहा, तो वो अपने जिला अदालत में चले जाते हैं, अपील की जा सकती है। और यदि कोई गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर भी जिला अदालत अपना फैसला दे सकते, जैसे जिला बदर आदि, और भी जो छोटे छोटे विकास खंड गांव में रहते हैं अधीनस्थ अदालत, तो फौजदारी और दीवानी के मामले के विचार, जितने भी केस आते हैं मुकदमे, उन पर ये इसको हल करती है। तो इस प्रकार ये हमारे भारत देश की व्यवस्था है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पहले सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, कौन कौन सी शक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय को, जो वो संविधान की सीमा में रहकर, जिसमें संविधान का कोई भी उल्लंघन ना हो, तो वो कानून और संविधान को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय देता है, और उसको इस प्रकार 4 या 5 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्र में क्षेत्राधिकार, और रिट, एक रिट भी है जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, सलाहकारी, और अपीली में एक विशेष प्रकार का विशेषाधिकार है। तो पहला हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। कभी-कभी दो राज्यों के बीच में या राज्य और संघ के बीच में कोई भी विवाद होता है तो उसको केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही सुलझा सकता है, न्याय दे सकता है, इसलिए इसका नाम है मौलिक। ये जो संघ और राज्य के बीच में या राज्यों के बीच में जो भी कोई विवाद हुआ है उसका हल, इसलिए इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। अब दूसरा है अपीली अधिकार। अपीली मतलब जैसे उच्च न्यायालय में कोई केस लगा हुआ है और यदि वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। दीवानी मामला हो, फौजदारी मामला हो, या संविधानिक कोई भी मामला है तो उसकी अपील कर सकता है। ये राज्य में भी हो सकता है, लेकिन यदि राज्य में यदि इसका उचित नहीं हो रहा है निर्णय तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। फिर है रिट। रिट के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो रिट के माध्यम से आदेश जारी कर सकता है, और ये 5 पॉइंट आते हैं इसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, और एक होता है ये लेख तथा अधिकार उत्प्रेषण लेख और अधिकार पृच्छा। इस प्रकार ये 5 पॉइंट से वो आदेशित करके अपना न्याय दे सकता है। सलाहकारी कभी कभी राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है जिससे जनता का हित हो या कानून का कोई, तो सलाह का राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है, पर जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनकी सलाह को माने, और सर्वोच्च न्यायालय को भी बाध्य नहीं है कि वो उसको सलाह दे, मतलब फिर भी जनता जनहित में वो राष्ट्रपति को सलाहकार हो सकते हैं। फिर है रिट हो गया। अब अपीली में होता है विशेषाधिकार। भारतीय भूभाग की किसी भी अदालत द्वारा पारित मामले या फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत पर पुनः अपील
सुनवाई की जाने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय को। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर एक प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हमारे भारतीय संविधान में कौन-कौन से प्रावधान हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप हल करिए। धन्यवाद।